वेलकम बैक टू माई वर्चुअल बोल था मैं सीएल एंड वर्ल्ड मशीन देखो सी जी आई थ्रू डी का दीवाना। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगिनियर मिस्टेक्स के बारे में और मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ बिगिनियर मिस्टेक्स। सो सबसे पहले आता है सेडर ब्रोकन। सो सेडर ब्रोकन कैसे होता है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो इसके लिए मैं यहाँ पर ऑन करूँगा हाई पोस्ट शेडर। सो मैं सबसे पहले इस क्यूब को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा विंडोज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेंडर एंड एक्चुअली हाँ यहाँ पर रेंडर एडिटर एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा हाइपर शेडर। सो हाइपर शेडर ऑन होने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल इसको कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। हाँ जी मैंने कर लिया इसको थोड़ा छोटा एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा मेरा शेडर जो कि बिल्कुल ठीक। सो मैं यहाँ पर इसको करूँगा बिगाड़ूंगा। मैं क्या करूँगा मैं इसके इसके जो कनेक्शन है मैंने इसको कर दिया ब्रेक एंड ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह का जो है नीला सा देखने को मिलेगा और अगर आप जब रेंडर करोगे तो ये काइंड ऑफ पिंक टाइप का देखने को मिलेगा। यानी कि इसका जो शेडर है वो गायब हो चुका है यानी कि शेडर लिंक खराब हो चुका है या आप कह सकते हो शेडर लिंक टूट गया है जो कहना है आप कह सकते हो। सो एनीवेज मैं इस कनेक्शन को कर दूंगा वापस से जोड़ दूंगा जैसे कि ये मेरे शेडर ठीक हो जाए जस्ट लाइक दैट एंड इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। सो जब भी कोई दिक्कत हो आप इस तरह से फिक्स कर सकते हो एकदम आसान है एंड मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल बंद। एंड नंबर टू पे आता है कि सेल। सेल में आप देख सकते हो कि ये सारे कुछ गायब हो गए यानी कि अगर आपने सेल में कुछ रखा है तो गायब हो जाता है। सो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है माउस का जो मिडिल माउस बटन है और आप कह सकते हैं स्क्रोल बस उसको आप स्क्रोल करना है एंड आपका जितने भी सेल में जितने भी ऑप्शंस रहेंगे वो वापस आ जाएंगे जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। एंड नंबर थ्री आता है सॉफ्ट सिलेक्शन। सो मैं इस क्यूब को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर जाऊँगा एडिट मोड पर। सो प्रेस करूँगा F7 एंड मैं पहुंच गया एडिट मोड पर। सो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा ओल्ड क्यू एंड यहाँ पर लेफ्ट माउस क्लिक करूँगा एंड जाऊँगा वर्टिसेस एंड किसी एक वर्टिसेस को मैं करता हूँ सिलेक्ट एंड आप देख सकते हो कि ये जो सिलेक्शन है ये कुछ इस तरह का हो गया है। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं हुआ यहाँ पर ऑन हो गया है आपका सॉफ्ट सिलेक्शन जिसका हॉट की है बी। आप बी प्रेस करोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अगर मैं प्रेस डब्ल्यू करता हूँ तो आप देख सकते हो एंड मैं इसको कर लेता हूँ अनड्यू एंड अगर मैं प्रेस करता हूँ फिर से बी एंड करता हूँ मूव तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हो रहा है। सॉफ्ट सिलेक्शन इज द मोस्ट यूजफुल टूल और नेचुरल दिखाने के लिए सॉफ्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका रेडियस आप बढ़ा सकते हो सिंपली और घटा भी सकते हो। सिंपली होल्ड बी करना है एंड करना है लेफ्ट माउस बटन ड्रैग तो आप इस तरह से इसका जो इफेक्ट है बढ़ा सकते हो घटा सकते हो आपकी मर्जी। एंड मैं यहाँ पर कर दूंगा बंद एंड जाऊँगा मैं ऑब्जेक्ट मोड पर। इसके लिए मैं प्रेस करूँगा F8 जस्ट लाइक दैट। एंड नंबर फोर में आता है बिग जॉइंट प्रॉब्लम। जब आप कोई कैरेक्टर्स इंटरनेट से डाउनलोड करते हो या कोई मोशन कैप्चर इन डाउनलोड करके जब माया में इंपोर्ट करते हो तो आपको देखने को मिलेगा इतने बड़े बड़े जॉइंट्स जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे कि क्या मूवमेंट हो रहा है। एंड इस जॉइंट साइज को छोटा करना बहुत आसान है। सो इसके लिए सिंपली सिलेक्ट करूँगा हिप्स जॉइंट जस्ट लाइक दैट। मेक श्योर करना है कि यहाँ पर हिप आ रहा हो एंड अब मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूँगा। अरे यार हाँ मैं यहाँ पर करूँगा स्पेस बार एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्शन हायरार्की एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेडियस। सो इस पर आप टाइप करो अराउंड मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 5.0 जस्ट लाइक दैट। और आप चाहो तो सिंपली यहाँ पर ग्लोबली कम कर सकते हो। सो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा विंडोज एक्चुअली डिस्प्ले एंड यहाँ पर आपको जाना है एनिमेशन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जॉइंट साइज एंड यहाँ से भी आप जॉइंट साइज बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। सो एंड यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि ये जो हैंड के जॉइंट्स हैं ये अभी भी बड़े हैं। सो मैं इनको करूँगा सेलेक्ट करूँगा स्पेस बार गो टू सेलेक्ट एंड यहाँ हायरार्की एंड मैं यहाँ पर कर दूंगा अराउंड 3.0 एंड प्रेस करूँगा एंटर। सो ये तब भी मुझे बड़े लग रहे हैं। सो मैं कर दूँगा 1.0 एंड करूँगा एंटर एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। सो
एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मोशन कैप्चर जस्ट लाइक दैट। एंड नंबर 5 में आता है वर्कप्लेस गड़बड़। सो वर्कप्लेस गड़बड़ कैसे होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। लाइक मैं करता हूँ ऐसे, सो ये हो गया काम खराब, सो ये हो गया काम खराब, सो अगर मैं करता हूँ ये हो गया काम खराब। सो बिगिनियर्स ऐसे करते भी हैं और मेरे भी बहुत बार हुआ है। सो बेसिकली क्या करना है, इसको ऐसे कर सकते हो आप, सिंपली ग्रैप करना है और आप ऐसे करके फिक्स कर सकते हो। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली यहाँ पर जाना है ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखने को मिलेगा वर्कपीस। सो सिंपली इस पे करना है, इसके साइड में इस आइकॉन पे करना है क्लिक। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको रीसेट करंट वर्कपीस। सो इस पे करोगे क्लिक तो यहाँ पर सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तो यही थे बिगिनियर्स के टॉप 5 मिस्टेक। और इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए देखो CGI 3D 31।